प्रत्यक्षार्थ धर्मिकायां च अनुमायां साक्षात्व परोक्षत्व संकरो दुर्वारः। प्रत्यक्ष पदार्थ जहाँ धर्मी है माने पक्ष है, ऐसे स्थल में जन्मिति में साक्षात और परोक्षत्व को सांकरी को तो कोई बचा ही नहीं सकता। जैसे पर्वतवनिमान, पर्वत कैसा है? प्रत्यक्ष पदार्थ है, यहाँ पक्ष धर्मी प्रत्यक्षार्थ धर्मी को हो गया प्रत्यक्ष। कौन है वो? यहाँ पर पर्वत प्रत्यक्ष है, पदार्थ माने पर्वत, जिस धर्मी रूपेण पक्ष रूपेण जिस अनुमिति में तार्श अनुमिति में जो साध्य कैसा है लेकिन परोक्ष है। अतएव पर्वतांश में साक्षात्व आ गया, वन्यंश में परोक्षत्व आ गया, यही सांकर दोष के लिए पर्याप्त है। दुर्वार तब पूर्व पक्षी कहेगा परोक्षत्व ने जाति किंतु साक्षात्व में बतता, हम परोक्षत्व को जाति मानते रहिए किंतु साक्षात्व को ही हम जाति मानेंगे। फिर परोक्षत्व क्या है भाई? केवल तो साक्षात भाव परोक्षत्व में चेत, साक्षात भाव मात्र को ही केवल लोग परोक्षत्व कह देते हैं, वो कोई अलग जाति नहीं। यदि चिन्ना ऐसा मत कहो, जैसा लड़ाई होता है ना जो तम और तेज में है, ये नहीं तेजो अभाव तब और नहीं तम एक पृथक पदार्थ है, ऐसे मीमांसक तम को अलग पदार्थ माना, नहीं अगर तेजो अभाव का नाम ही तम है, इधर से यहाँ भी है साक्षात का अभाव का नाम ही परोक्षित मान लो या परोक्षित को अलग जाति मान लो। अब नहीं है कहते परोक्षित अलग जाति नहीं है, हम मानेंगे नहीं, दोष आ रहा है, सांकर्य आ जाता है, इस उसको जाति मत मानो। वैसे भी सांकर दोष वाले को जाति नहीं मानी जाती है, फिर क्या है वो? कहते साक्षात्व का अभाव प्रत्यक्षत्व का अभाव ये मान लो। इसना यह भी आप नहीं कह सकते अस्यार्थस्य अविनिगंतव्यत्व आपत्ति है, इस प्रकार के पदार्थ सिद्धि में कोई विनिगमना नहीं। हम उल्टा बोल सकते हैं परोक्षत्व को जाति मानिए और परोक्षत्व के अभाव को प्रत्यक्षत्व मानिए, साक्षात्व मान लीजिए, इसमें क्या विनिगमना है? यदार्श पदार्थों में कोई विनिगमना नहीं हो सकती है, विनिगंतव्यत्व आपत्ति है मैंने विनिगमना प्रदान करने की आपत्ति आ जाएगी। और सर्वज्ञम अनुमन्यमानस्य च मते, सर्वज्ञ जो लोग मानते हैं योगी ईश्वर आदि को, जो कि सर्वज्ञ को भी ईश्वर को भी अनुमान से आपने सिद्ध किया, अनुमान से किया हुआ आपके उस ईश्वर में नित्य ज्ञान तो आपने स्वीकार कर लिया। ईश्वर कैसा है? नित्य ज्ञान वाला है, नित्य इच्छा वाला है, नित्य प्रयत्न वाला है, ये तीन को नित्य मानना पड़ा, नहीं तो सृष्टि कैसे बनाएगा वो? हमारे जहाँ नित्य ज्ञान होगा तो बना नहीं पाएगा। इसे नित्य ज्ञान मान लिए तो वहीं पर अब समस्या खड़ी हो जाएगी आपको। कैसी समस्या खड़ी होगी? अनुमन्यमानस्य चमते, अनुमन्यमानस्य सर्वज्ञम, जो सर्वज्ञम ईश्वरस्य अनुमन्यमानस्य ईश्वरस्य सर्वज्ञम मते दृष्टलिंगादि ईश्वरस्य, अनुमन्यमानस्य ईश्वर से जुड़ेगा वो ईश्वर को क्या दिखाई दिया? पहले धुआं दिखाई दिया, लिंग ज्ञान हुआ, लिंग ज्ञान के बाद पर्वत अनुमान उसको भी ज्ञान होगा, लेकिन वह ज्ञान लिंग ज्ञान जन्य मानोगे या नहीं मानोगे? आप जन्य नहीं मान सकते, जन्य मान तो अनित्य ज्ञान वाला हो जाएगा ईश्वर भी। अच्छा आपको गणवड़ों भी प्रत्यक्ष है, फिर अनुमिति भी प्रत्यक्ष हो जाएगी आपकी, मैंने लिंग ज्ञान जन्य हो गया ना, क्यों नहीं करेगा? लिंग ज्ञान तो हो रहा है ना उसको भी भाई, उसको लिंग ज्ञान भी हुआ कि नहीं हुआ, लिंग ज्ञान के अंतर पर्वत अनुमान ज्ञान भी उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो नहीं कह सकते ईश्वर को होगा नहीं धूम ज्ञान, सीधा ही देख रहा है तो धूम का ज्ञान देखा हो उसने, धूम के बाद उसको पर्वत अनुमान ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष हो रहा है लेकिन वह लिंग चिन्ह है या नहीं, लिंग ज्ञान की अपेक्षा है उसको? आपको कह रहे फिर धूम ज्ञान की विराही वन्य ज्ञान हो गया उसको, क्यों कहते नहीं? ना ना धूम भी तो दिखेगा, ये नहीं कह सकते आप उसको धूम नहीं दिखाई देगा, दोनों दिखाई दे एक दूसरे जन्य जनक भाव आ जाएगा, कार्यकांड लोग प्रसिद्ध है धूम और अग्नि में, इसे धूम को लिंग ईश्वर के दृष्टिकोण में है या नहीं वो भी लिंग मानेगा भाई, कार्यकांड भाव के ईश्वर नहीं मानता है भाई, कार्यकांड भाव अनुसार तो ईश्वर तो जगत को पैदा कर रहा है, कार्यकांड का आधार ही आपने ईश्वर को भी सिद्ध किया बल्कि उल्टा अनुमान से, यदि ईश्वर कैसे सिद्ध होता? चित्तंकुराधिकम सकृत्रिकम कार्यत्वात् घटवत्, अनुमान से जो ईश्वर को सिद्ध करने वाला है वह ईश्वर में कार्यकांड भाव को निषेध नहीं कर सकता,
कि ईश्वर की सिद्धि ही कार्य का अनुभव के आधार पर हुई है। आप न्याय पाल रहा है तो न्याय के हिसाब से समझे, न्यायिकों के मत के अनुसार ईश्वर की सिद्धि कैसे हुई, अनुमान से सिद्ध किया। अनुमान के आधार था, अनुमान का कार्य का अनुभव, जिस कार्य का अनुभव के आधार पर ईश्वर सिद्ध हुआ, वह ईश्वर अपने ही आधार पर कार्य का अनुभव को नहीं मानेगा, अपने निमित्त का नाश करेगा क्या? नहीं हो सकता। इसे ईश्वर के दृष्टिकोण में भी सूर्य पूरे जगत कैसा है, कार्य का अनुभव वाला है। जब कार्य का अनुभव वाला है उसको धूम ज्ञान हुआ, मैंने इसको कारण ज्ञान हो, मैंने कार्य ज्ञान हो गया, और उस कार्य ज्ञान से उसको वन्य ज्ञान हो रहा है, लिंग जनित वहां भी रहेगा, अनुमिति में भी प्रत्यक्षत्व का आरोप हो गया, लिंग जन्य है, लेकिन आप जन्य नहीं मान सकते, ईश्वरीय प्रत्यक्षत्व मानोगे, अनुमिति में प्रत्यक्षत्व आ गया, किससे कैसे बचोगे आप? कोई समझा रहे, लिंगादि बुद्धौ अप्रोक्षत्वेनापि विरोधः, लिंगादि बुद्धियों में भी अप्रोक्षत्व के द्वारा विरोध हो जाता है, क्योंकि ईश्वर सर्वम ज्ञानम नित्यम अजन्यम है, अतएव लिंग जन्यम नहीं कह सकते आप, लिंग जन्यम नहीं कहोगे तो उसके अंदर प्रत्यक्षत्व आ जाएगा, है लिंग जन्य, लेकिन आपकी मजबूरी है उसको आप जन्य नहीं मान सकते, नहीं तो ईश्वरीय ज्ञान भी अनित्य हो जाएगा, इस भय से आपको उसे प्रत्यक्षत्व मानना पड़ गया। लिंग जन्यत्वाद अनुमिति ही ईश्वरीयत्वाद प्रत्यक्षत्व तत्र इति, वहाँ पर सांकर दोष फिर घुस गया तुम्हारा, बचेगा कैसे? तब वो कहेगा लिंगादिधि जन्यत्व अनुमितित्वाद प्रयोजकम, ऐसे लिंगादिधि जन्यत्व अनुमितित्व में प्रयोजक होता है, और इसको ईश्वरीय ज्ञान प्रत्यक्ष होने के नाते लिंगादि जन्य तुम उसको नहीं मानेंगे। आपकी बात आ गई, हम लिंगादि जन्य, लिंग ज्ञान भी हुआ उसके बाद वन्य ज्ञान हुआ, इन वन्य ज्ञान को लिंगादि ज्ञान जन्य नहीं मानूंगा, तक यदि ऐसा कहोगे यथा अनुमिति लिंगादि जन्यत्व अनुमितित्व के लिए प्रयोजक है, प्रत्यक्ष के लिए तुम्हारे मत इंद्रिया से निकर्षत्व भी प्रत्यक्ष प्रयोजक है, फिर ईश्वर का प्रत्यक्ष भी क्या इंद्रिया है? और यदि प्रयोजक नहीं तो फिर प्रत्यक्ष भी नहीं कहना पड़ेगा उसको। यदा लिंग जन्यत्व न होने से आप कहते हो वो अनुमितित्व नहीं है, कोई बात नहीं, तो यथा अनुमितित्व के प्रति लिंगादि जन्य अनुमितित्वादि के प्रति लिंगत्वादि जन्यत्व को आप प्रयोजक मानते हो, प्रत्यक्ष के प्रति आपके मत में इंद्रियार्सनिकर जन्यत्व प्रयोजक है तुम्हारे मत में, फिर ईश्वरीय प्रत्यक्ष में भी इंद्रियार्सनिकर जन्यत्व मानना पड़ जाएगा, ये सनिकर्जन्य मान ही नहीं सकते ना, अरे जन्यत्व आ जाएगा। अरे आप इंद्रिय भी मानो, ये सनिकर्ष मानोगे, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, जन्य हो जाएगा ज्ञान, नित्यत्व कहाँ रह गया? इसे सन्निकर्ष तो लाओ मत, इंद्रिय भी नहीं ला सकते ईश्वरीय ज्ञान के लिए, इसलिए हम सबका इंद्रिय उसका इंद्रिय कह दिया जाता है। ये तो विश्वरूप दर्शन अध्याय में रहे क्या, सरद पाणिपादंत सरद सृजिमल्लोके, हम सबका ही इंद्रिय उसकी इंद्रिय, उसका अलग कोई इंद्रिय होती नहीं। इसे इंद्रियार सन्निकर्ष जन्यत्व रूप प्रयोजक ईश्वरीय प्रत्यक्ष में न होने से उसको प्रत्यक्ष में तुम नहीं बोल पाओगे, फिर क्या है वो ज्ञान, उस ईश्वरीय ज्ञान न अनुमिति है, न प्रत्यक्ष है, न उपमिति है, न शाब्द है, कुछ नहीं, ज्ञान ही नहीं पेगा, इसे ज्ञान तो खत्म हो जाएगा, नित्य ज्ञान जब मान रहे ईश्वर है तो भी चौपट हो गया। अरे लिंगादिधि जन्यत्व अनुमितित्वाद प्रयोजक चेत साक्षात्व भी तरी इंद्रिय सन्निकर्षाय जन्यत्वमिति साक्षात् भी सा न स्यात्, रिवाज अनुमिति आज जो पैदा हो रहा है उसके अंदर उसके साक्षात्व भी नहीं रह गया, अनुमितित्व नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, यह आपत्ति हो जाए। तब वो कहेगा ऐसा है व्यंजकोपाधि नियताच जातिरिष्यत है न च तदत्र उक्त प्रकार बाधा, पूर्व पक्षी कहता है व्यंजकोपाधि नियत हुआ करती है हमेशा जाति, जैसे आपके क्या है शासनादि है, वो क्या है व्यंजकोपाधि है, उससे नियत है आपका गोत्र जाति, माने यत्र यत्र शासनादि मत्तंतर तत्र गोत्वम, ऐसा नियत हो जाता है। यदि व्यंजकोपाधि जिसका नहीं है वह जाति भी नहीं मानी जाएगी, इसका मतलब ये पूर्व पक्षी कहना है। यदि वो कहते हैं जाति व्यंजक धर्म से नियति हुआ करती है और उपर्युक्त जो इंद्रियार्थ निकर्ष जो है उत्पन्न ज्ञानत्व आदि व्यंजकों के खंडित हो जाने के कारण से
क्योंकि हमने क्या किया अभी तक, जितने प्रत्यक्ष का लक्षण किया, लक्षण क्या है, एक तरह से निमित्त है, उपाधि है भाई। प्रत्यक्ष तो जाति, अनुमितित्व जाति के लिए उसका लक्षण ही तो उपाधि बनेगा। जैसे गोत्र जाति के लक्षण ही उपाधि बना शासनादि मत्व, घटत्व के लिए कंबक निवादि मत्व, उसी प्रकार से मैं कहूँगा प्रत्यक्षत्व के लिए अभिव्यंजक उपाधि कौन है, इंद्रियार सन्निकर्षत्व इत्यादि जितने तुमने लक्षण बनाए उन सबको मैंने खंडन कर लिया ना। जैसे एक भी नियत व्यंजक उपाधि नहीं रहा तो प्रत्यक्षत्व जाति खत्म हो गई। नच तदत्र सिद्धांत कहता है तद मने व्यंजक उपाधि अस्मिन् प्रत्यक्षत्व विषये नास्त्येव। क्यों? उक्त प्रकार है न बाधात्, पूर्वोक्त प्रकार से तुम्हारे जितनी लक्षण है सब मैंने खंडन कर दिया प्रत्यक्ष लक्षण का। जो लक्षण है वही निमित्त होता है, वही व्यंजक उपाधि हुआ करता है। वो जब खंडित हो गया तो कोई व्यंजक उपाधि रहा नहीं, अतः प्रत्यक्ष जाति ही तुम्हारी खत्म हो गई। नच व्यंजक नियम अनभिगत्या न तदत्र उपगम्यम इति नच वाच्यम, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। अर्थात स्वतः सिद्ध मान लो प्रत्यक्ष जाति को। क्यों? अरे आपकी श्रुति कह रही है साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, साक्षात अप्रोक्ष मैंने साक्षात्व, अप्रोक्षत्व ही ब्रह्म मैंने स्वयं सिद्ध, मैंने साक्षात्व स्वयं सिद्ध हो गया। उन्हें प्रत्यक्षत्व जाति के लिए व्यंजक उपाधि की जरूरत नहीं है, भिन्न उससे भिन्न घटत्वादि सब जातियों के लिए जरूरत है। लेकिन श्रुति के आधार पर आपको मानना पड़ेगा साक्षात्व जाति मैंने अप्रोक्षत्व जाति स्वतः सिद्ध है। वहां साक्षात अप्रोक्ष क्यों का, केवल अप्रोक्ष कहते अप्रोक्षम ब्रह्म। इन साक्षात विशेषण इसलिए दिया सर्व इंद्रियादि निरपेक्ष, साक्षात तात्पर्य इंद्रियादि सर्व निमित्त निरपेक्ष है अप्रोक्षत्व, अर्थात अप्रोक्षत्व स्वतः सिद्ध है। से क्या जरूरत है हमें उपाधि की, इसे व्यंजक उपाधि के बिना भी प्रत्यक्षत्व सिद्ध है। यदि ऐसा कहता है सिद्धांतिक दैति न चवाच्यम व्यंजक नियम अनपिपगत्या, व्यंजक नियम को प्रत्यक्षत्व जाति की सिद्धि में न स्वीकार करते हुए, यहाँ स्वतः सिद्ध होने के नाते न तदत्र उपगम्यम, इसलिए इस प्रत्यक्ष जाति के विषय में वह हमें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। इति नच वाच्यम ऐसा मत कहो। सिद्धांत कहता है यदि ऐसा होता स्वतः सिद्ध होता प्रत्यक्ष जाति, किसी भी प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद संशय और भ्रम नहीं होना चाहिए। कि प्रत्यक्ष ज्ञान होते ही स्वतः सिद्ध प्रत्यक्ष जाति का अनुभव हो जाएगा। अप्रत्यक्षत्व का अनुभव हो गया फिर संशय कहाँ रह जाएगा, प्रत्यक्ष या नहीं, या भ्रम कैसे हो जाएगा वहां। कोई समझा रहे किम मया दृष्टम, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। क्या मेरे द्वारा देखा हुआ सही है या नहीं है, ये संशय होना चाहिए। तथा किम वा केन चित कथितम, अरे किसके द्वारा क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है, ये संशय क्यों हो रहा है। क्योंकि श्रावण प्रत्यक्ष हुआ या चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ, दो दृष्टांत ले लिया, मुख्य यही दो है चाक्षुष प्रत्यक्ष और श्रावण प्रत्यक्ष में आप जो प्रत्यक्षत्व जाति को स्वतः सिद्ध कह देते हो, फिर उस प्रत्यक्ष तो जाति विशिष्ट चाक्षुष प्रत्यक्ष में और श्रावण प्रत्यक्ष में आप किस प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, और होता है व्यवहार में। इसे प्रत्यक्षत्व जाति को स्वतः सिद्ध नहीं कह सकते, स्वपाधि के मानना पड़ेगा, व्यंजक उपाधि माननी पड़ेगी। व्यंजक उपाधि का अस्फुट जो पहले कहा था क्वचित अस्फुटत्व, वो हम लाएंगे। अब व्यंजक उपाधि जहाँ स्फुट है वहाँ संशय ब्रह्म नहीं होता, यह व्यंजक उपाधि अस्फुट है वहाँ संशय ब्रह्म हो जाएगा। इसे व्यंजक उपाधि के बिना प्रत्यक्ष तो नहीं मान सकते। और जिन व्यंजक उपाधियों का तुमने वर्णन किया उन सबका मैंने खंडन कर दिया, आज प्रत्यक्ष जाति सिद्ध नहीं हो सकती। प्राग्भूतायाम स्मर्यमाणायाम तद्बुद्धौ
ತ್ವನ್ಮತೆ ಮನಸ್ಸಜ್ಞಾನ ರೂಪಯ ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾಯಾಮ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಗ್ರಹೋ ವಿನಾ ವ್ಯಂಜಕ ಭಾವಂ ಕಥಂ ಸ್ಯಾತ್. ಎಕಾರ ಪತಿ ದೋ ಸ್ಥಳೇರೆ ಪ್ರಾಭೂತಾಯಾಮ್ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಾಯಾಮ್ ತದ್ಬುದ್ಧೋ. ಪ್ರಾಗ್ ಕಾಲ ಮೇ ಜಾತ್ ಕಿಸಿ ಭೀ ಅನುಭೂತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪ್ಕಾ ಜಿಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಹೋನೆ ಪರ್ ಆಪ್ಕೆ ಮತ ಮೇ ಉಸ್ ಸ್ಮರಣ ಮೇ ಕೋಯ್ ಸಂಶಯ ನೀ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಮೇರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಠೀಕ್ ಹೈ ಯಾ ನಹೀ? ಯದಿ ಕ್ಯೋ ಪೂರ್ವ ಅನುಭವ ಹುವಾ ಹೈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಔರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗ್ಯಾ ವೋ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಹೈ ತೋ ವಹಾಂ ಸಂಶಯ ನೀ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ. ಜಬ್ ಉಸ್ಮೇ ಸಂಶಯ ನೀ ಉಸ್ ದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೇ ಭೀ ಸಂಶಯ ನೀ ಜನ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ಸಂಶಯ ನೀ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಏನು ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲೇ ವಾಕೋ ಮಾನ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ವಿನಾ ಉಪಾಧಿ ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಕ್ಕೋ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ನೀ ಮಾನ್ ಸಕ್ತೆ ಉಪಾಧಿ ಮಾನ್ ನೀ ಪಡೆಗಾ. ಇತೈನಿ ಉಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ತ್ವನ್ಮತೆ ಮನಸ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯ ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣ ಸ ನಿಕರ್ಷಸೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಾ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣ ಸ ನಿಕರ್ಷಸೆ ವಹಾಂ ಪರ್ ಭೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಗ್ರಹೋ. ವಹಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಗ್ರಹ ಕ್ಯೂ ಹೋ ರಾ ಹೈ? ವಹಾಂ ಪೇ ಕೋ ಸಂಶಯ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ, ಭ್ರಮ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ? ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣ ಸ ನಿಕರ್ಷಸೆ ಸುರಭಿ ಚಂದನ ಆದಿ ಜ್ಞಾನ ಹುವಾ ವಹಾಂ ಭೀ ಭ್ರಮ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಭೈ ಕಿಸ್ನೆ ಉದರ್ ಚಂದನ್ಗೆ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಜಲಾ ದಿ ಅವ್ರ ಲಕಡಿ ಲೀ ಆಯಾ ರೀ ಇದು ಚಂದನ್ ಲೀ ಆಯಾ ಭ್ರಮ ಹೋಗ ಕಿ ನೀ? ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣ ಸನ್ನಿಕರ ಸೇ ಕ್ಯೋ ಸುರಭಿ ಚಂದನ ಸುರಭಿ ಆ ರೀ ಲಕಡಿ ಲಾ ರಾ ಹೈ ಸುಗಂಧ ಭೀ ಆ ರಾ ಹೈ ಅವ ಆಪ್ಕೋ ಭ್ರಮ ಹೋಗ ಕಿ ನೀ? ಹೋ ಕೈಸೆ ಹೋಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣ ಸನ್ನಿಕರಿಸೋಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವ ಜಾತಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಹೈ. ಫಿರ್ ವಹಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಗ್ರಹ ನೀ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೆ ಅಗ್ರಹ ಹೋಗ ಗ್ರಹಣ ನೀ ಹೋಗ. ಇಸ ವಿನಾ ವ್ಯಂಜಕ ಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಕ ಭಾವಕ್ಕೆ ವಿನಾ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಕೈಸೆ ಕಹ ಸಕ್ತೆ ಹೋ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗ್ರಹ ಔರ್ ಅಗ್ರಹ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯಂಜಕಕ್ಕೆ ಹೋನೆ ಔರ್ ನ ಹೋನೆಗೆ ಆಧಾರ ಪರ ಆಪ್ಕೋ ದೇನಿ ಹೀ ಪಡೆಗಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ಗೋ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಆಪ್ ನಹಿ ಮಾನ್ ಸಕ್ತೆ. ಉಪಾಧಿ ನೀ ರೀ ತುಮಾರ ವ್ಯಂಜಕ ಉಪಾಧಿ ಕೋಣೆ? ಅಬ ಉನ್ಸೆ ಪೂಛೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾತಿ ಕಾ ಅಭಿ ತಕ್ ಕಿತನೆ 19 ಹೋ ಗಯಾ ಲಕ್ಷಣ? ಆಪ್ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ 19 ಸಂಖ್ಯಾ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ, ಯಹಾಂ ಪರ 8 ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ. 19 ಸೆ 20ವಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ನಾ ಅಭಿ ಆಪ್ಕಾ, ಯೇ 19ವಾ ಹೈ ಶಾಯದ್, 19ವಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ, 19ವಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಆಪ್ಕಾ. ಮನೆ 19 ಲಕ್ಷಣ ಖಂಡನ ಹೋ ಚುಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜೊ 19 ಆಪ್ಕೆ ದಿಯ ವ್ಯಂಜಕೋಪಾಧಿ ಹೈ ವೋ ಹಮ್ ಖಂಡನ ಕರ್ ಚುಕೆ. ಅಭಿ ತಗ ನಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಹುವಾ ನಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾತಿ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಆಪ್. ತವೋ ಕಹೆಗಾ ಅರೆ ಭೈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾತಿ ಜ್ಞಾನ ಗತ ನೀ ಹೋತಾ, ಆಪ್ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಕೋ ಖಂಡನ ಕಿಯೆ ಹೇ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾತಿ ತೋ ಅರ್ಥಗತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆಪ್ ಜ್ಞಾನ ಕ ಲಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಖಂಡನ ಕರ್ತೇ ರೋ, ಜೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧ ನೀ ಹೋಗಾ. ಏನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾತಿ ಜೊ ಅರ್ಥಗತ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ತುಮ್ ಖಂಡನ ನೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಜೈಸೆ ಮೀಮಾಂಸಕ ಜೈಸೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಲೇ ಲೀ ಅಜ್ಞಾತತ ಅರ್ಥಗತ ಜ್ಞಾತ ಮಯ ಜ್ಞಾ ಘಟ ಅಜ್ಞಾತೋ ಮಯ ಈ ಜೊ ಬೋಲ್ತೆ ಹೋ ಯಾ ಪರ ಲೇ ತಗದೇ ನೀ ಹೋ ಸಕ್ತ. ಅರ್ಥ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷತ್ವಮಿತಿ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದಿರಸ್ತಂ. ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದ ಮೇ ಮೀಮಾಂಸಕ ಜಬ್ ಖಂಡನ ಕರಾತ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಹೈ ಸ್ವಯಂ ಕ ಬೋಧ ಕರಾ ದೇತಾ ಹೈ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಮನೆ ವಿಷಯ ಕ ಭೀ ಬೋಧ ಕರಾ ದೇತಾ ಹೈ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೊ ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ ತಾ ಉಸ್ ವಾದ ಮೇ ಹೀ ಹಮ್ನೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಯುಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಖಂಡನ ಕರ್ ಚುಕಾ ಹೂ, ದೋಬಾರಾ ಕಹನೆ ಕಿ ಆವಶ್ಯಕತಾ ನಹೀ ಹೈ. ತಥಾಪಿ ಅಪಾಯಿತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬಲಾತ್ ಅಂತತ ಪದಾರ್ಥಾಂತರಮಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನನುಮತ್ಯ ನ ನಿಸ್ತಾರೋ ಅಸ್ತಿ ಭ್ರಾಂತಿರಪಿ ಅಭ್ರಾಂತಿಪೂರ್ವಕತ್ವ ಚಿನ್ನ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಬಡಾ ಅಸ್ತ್ರ ಕಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಭೈ ದೇಖಿಯೆ ಆಪ್ ಕುಚ್ ಭೀ ಕಹಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ತರ್ಕ ಜಾಲ ಬಿಚಾತೆ ರೀ ಹಮಾರಾ ಖಂಡನ ಭಲೆ ಕರ್ತೆ ರಹಿಯೆ ಲೇಕಿನ್ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪ್ರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ಕೋ ಖಂಡನ ಕೈಸೆ ಕರೋ ಭಯಾ ವೇದಾಂತಿ ಹೋ ಕರ್ಕೆ. ಕಹತೆ ದೇಖೋ ಅಪಾಯಿತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಬಾಧಿತ ಹೈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಯ ಬಾಧಿತ ನೀ ಶ್ರುತಿ ಹೈನಾ ಬಾಧಿತ ಕೈಸೆ ಕಹೋಗೆ ಇಸ್ಕೋ? ಔರ್
अयंगटे इत्यादि जो प्रत्यक्ष हो रहा है व्यवहार में दिन रात 24 घंटा सबको हो रहा है। रात्रि में भी मैं सुप्रक सोया था उसका वह समय हुआ है ना सुखानुभूति। ये सारी चीज़ें खंडन कैसे कर दो? साक्षात तो बिल्कुल ही अबाधित बुद्धि है। साक्षात बुद्धि से प्रत्यक्ष के प्रमाण कहा जाता है। अरे प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण की जरूरत है? फिर से प्रमाण खोजने लग गए और गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए तो साक्षात बुद्धि तो अबाधित बुद्धि है और व्यवहार बल व्यवहार के बल से भी, चाहे श्रुति रूपी शब्द व्यवहार ले लो चाहे लौकिक व्यवहार ले लो, इन दो हेतु दे रहे हैं। अबाधित साक्षात बुद्धि बलात् और व्यवहार बलात् अंततः पदार्थांतरमपि साक्षात्तम। अंततः आपको जिस प्रत्यक्षत्व को साक्षात्व को स्वतः सिद्ध साक्षात्व को एक पदार्थांतर भले मानना पड़े उसको माने बिना अनन्मत्य न निस्तारोस्ति, बिना माने हुए आपकी सारी जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था बनी नहीं सकती है, न निस्तार। और इससे बड़ी बात यह है भ्रांति भी अभ्रांति पूर्वक ही हुआ करती है। अरे भ्रांति का निश्चय तो उत्तर काल में होगा ना, पहले जो ज्ञान होता है इदम रजतम उसको प्रमाहित तो कहोगे, उसे भी साक्षात तो है ही, बाद में बाधित होने से अभ्रम कर देते हो। इसीलिए भ्रांति को भी अभ्रांति पूर्वक होने के नाते उस अभ्रांति रूपा जो पूर्व ज्ञान है उसमें भी साक्षात तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसको तो सिद्ध है, उसको बाधित कर रहे वो अलग बात है। इसीलिए इनका कहना है आपको साक्षात नाम का एक पदार्थ अंतर माननी पड़ेगा, तक आपकी प्रतिज्ञा हानि होगी। सप्त पदार्थ आहा, ये आपकी प्रतिज्ञा है वो हानि हो जाएगी। क्या अष्टम ये पदार्थ अंतर मान लिया, आठवां पदार्थ मान लिया ना, पर साक्षात श्रुत सिद्ध को यह आठवां अलग पदार्थ हो गया, वो जाति नहीं है, औपाधिक धर्म नहीं है, स्वतः सिद्ध एक वस्तु आप पृथक मान लिए। कोई समझा रहे देखो चिन्ह तस्यापि साक्षात ग्रहे क्वचिदपि तद विवादो न सैद इत्यादि दोष साम्यात। तो तज्जनितत्व तस्यापि साक्षात ग्रहे क्वचित भी तद विवाद हो न सत इत्यादि दोष साम्यात। उसका भी साक्षात ग्रह करने में कहीं भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते ना, से दोष साम्यात। अगर साक्षात बुद्धि उस पदार्थांतर साक्षात्व को यदि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय माने तो कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए, यानी यह पूर्वक जो दोष है वो आप पर खड़ा है। तो पदार्थांतर हम पूछ रहे हैं वो पदार्थांतर जो है प्रत्यक्ष का विषय बनता कि नहीं बनता, उसका प्रत्यक्ष होता कि नहीं होता। यदि साक्षात् रूपा जो पदार्थांतर प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है और वह स्वतः सिद्ध है तो उस पदार्थांतर को ग्रहण किसी भी माध्यम से ग्रहण करते ही प्रत्यक्ष ज्ञान आपको साक्षात्कार हो जाएगा, फिर उस पर संशय नहीं होना चाहिए। वह दोस्तों विषय विषय रहेगा, पदार्थांतर मानने से आप बच नहीं सकोगे कि साक्षात रूपा जो पदार्थांतर वस्तु वो किसका धर्म है, कहाँ रहेगा वो? प्रत्यक्ष ज्ञान में तो मानोगे, अनुमिति आदि में तो मान नहीं सकते। यदि प्रत्यक्ष ज्ञान पर मान लिया तो पूर्वोक्त दोष हो जाएगा, वैसे उसके उत्तर काल में फिर कभी भी संशय भ्रम नहीं होना चाहिए, हो रहा है। इसे साक्षात को पदार्थांतर मानने से भी निस्तार नहीं रहा। अनुमान आदि वेद्यत्व, यदि अनुमान आदि के अगर हम साक्षात को समझ लेंगे ग्रहण कर लेंगे तो अनुपपत्ति है या अनुपपन्न हो जाएगा। फिर भी साक्षात का प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं रहा तो प्रत्यक्ष पदार्थ मान करके भी इसका संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं रह गया। अनुमान के अंदर जान लेंगे ये साक्षात को, फिर स्वतः सिद्ध भी कहाँ से आ गया वो? यदि अनुमान के द्वारा हमें साक्षात को जानना पड़े, अनुमानाधीन उसका ज्ञान हो रहा है, प्रमाणाधीन हो गया, स्वतः सिद्ध नहीं रहा, तभी मामला ठप हो गया, अनुपत्य है। क्वच व्याप्त्यादि ग्रह इत्यादि दुरुत्तर परंपर यही वस्यात, इतना ही नहीं, कहाँ आपने इसका व्याप्त्यादि ग्रहण किया बताओ? इसके भी आपका जवाब आपके मुख से निकल ही नहीं सकता,
दूरतर है। ये कहाँ आपने व्याप्ति ग्रहण किया? जो स्वतः सिद्ध वस्तु का व्याप्ति कहीं ग्रहण हो सकता है क्या? क्योंकि आत्मा जो स्वतः सिद्ध है उसकी व्याप्ति ग्रहण नहीं हो सकती। जरूर ये स्वतः सिद्ध की जरूरत नहीं ना, यदि आप कर ले अनुमान से जानूंगा, इस स्वतः सिद्ध व्याप्ति की जरूरत है फिर तो? अनुमान से जानने के लिए व्याप्ति जरूरत है ना। और व्याप्ति यदि कहाँ ग्रहण करोगे स्वतः सिद्ध वस्तु का? स्थल विशेष आप बता ही नहीं सकते। इसे कहते हैं क्वच व्याप्त्याधिग्रह इति पूछने पर इत्यादि द्रुत्र परंपरा एव स्यात्, द्रुत्रता रूपी दोष की परंपरा लागू रहेगा ही। इतना ही नहीं, शब्द पदार्थ नियम असाधन नियम साधनानि च न कथम परिपंथीनी स्वरिति। और शब्द पदार्थ के आपने प्रतिज्ञा किया और उसके साधन के लक्षणों को जो बनाए उसका विरोधी मार्ग में आप क्यों नहीं चल रहे हैं? मैंने अवश्य आप चल रहे हैं, एक आठवें पदार्थ मान के जिसका कोई लक्षण नहीं, कुछ नहीं, कहीं कोई व्याख्या नहीं, ऐसे आठवें पदार्थ मान करके स्वसिद्धांत हानि कर लिया आपने। लिंगादिजत्व अभाव समुदाय वतीधी ही साक्षात चेत न, लिंगादि जन्यत्व के अभाव समुदाय वती का नाम ही जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसे प्रत्यक्ष जाती रहती है। ऐसे मान लो बीसवां लक्षण लिंगादि जन्यत्व अबुध अभाव समुदायवधि, माने तीन है ना, लिंग जन्यत्व अभाव, शब्द जन्यत्व अभाव, सादृश जन्यत्व अभाव, इन तीन अबुधा अभावों का समुदाय, इन तीन अभावों के समुदाय, तार समुदाय वाले का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। वही साक्षात प्रत्यक्ष चेतन ये नहीं कह सकते परोक्ष विषय संशयाद अतिव्याप्त है। परोक्ष विषय संशयादव अतिव्याप्त है, उन सभी में भी लिंगादिजत्व अभाव समुदाय रहेगा। कितने हैं वो परोक्षादि? परोक्ष, परोक्ष संदेह, परोक्ष भ्रम और स्मृति, ये तीन चीज़ें। अनुमिति उपमिति शब्द बोध के अलावा तीन चीज़ आपका बचता है, परोक्ष संदेह, परोक्ष भ्रम और आपका स्मृति। उन तीन में लक्षण अतिव्याप्ति हो जाए, उनमें इन तीन का भाव तो है ना, इन तीन का भाव उनमें है कि उनके कारण अलग अलग चीज़ है। उनका कारण कौन है? परोक्ष संशय के प्रति वृत्तिपत्ति विप्रतिपत्ति है, परोक्ष भ्रम के प्रति हेत्वाभास है, और जो है स्मृति के प्रति संस्कार है। जो संस्कार में भी इन तीन का भावत्व है कि नहीं, और विप्रतिपत्ति में तीन का भाव है, हेत्वाभास में भी तीनों का भाव है, तो उन लक्षणों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। ईदृशी प्रमा तथा इति चेत नो, ईदृशी प्रमा तथा, तब वो कहेगा परमाणु जगत के कारण है या प्रधान है? परमाणु जगत का कारण है या प्रधान है? इस प्रकार जो परोक्ष विषयक संशय और प्रधान ही जगत का कारण है, इस प्रकार का भ्रम और सामे मात्र इस प्रकार स्मृति, इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तब उक्त भाव त्रय विशिष्ट प्रमा ही प्रत्यक्ष प्रमा कहते, इतना अप्रमा है ना, संशय भी अप्रमा होता है, भ्रम भी अप्रमा होता है, स्मृति भी अप्रमात्मिका होती है, से प्रमा विशेषण दे दूंगा ईदृशी प्रमा। इस प्रकार का मैंने लिंगादित्रय अभाव विशिष्ट जो प्रमा, वो प्रमा ही का नाम प्रत्यक्ष है। चिन्ह प्रत्यक्ष भ्रम अव्याप्त है, कि जिस प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हो वो प्रमा और अप्रमा उभयात्मक प्रत्यक्ष का सामान्य का लक्षण कर रहे हैं आप। सामान्य लक्षण के यदि प्रमा शब्द जोड़ दोगे अप्रमा रूपा जो प्रत्यक्ष में, तुम्हारे लक्षण का अव्याप्ति हो जाएगा। हमने लक्षण प्रमा जोड़ दिया, जो प्रत्यक्ष क्या है हमारे पास दो प्रकार के, प्रमा प्रत्यक्ष और अप्रमा प्रत्यक्ष है। भ्रम भी प्रत्यक्ष है, अपने आपने खुद ही कहा भी अभी, भ्रम भी हमेशा अभ्रम मूलक होता है। मैंने अभ्रम मूलक का मतलब क्या, वो भी प्रमा थी उस समय में, इसे प्रमा और अप्रमा उभयात्मक है प्रत्यक्ष, उसमें से प्रमा यदि विशेषण जोड़ दोगे अप्रमा में लक्षण नहीं जाएगा, अव्याप्ति हो जाएगी। तब एक और लक्षण बनाता है अनुमानादि व्यवच्छेद तत् तत् असाधारण कारण अजनिताधि ही साक्षात चिन्ह। अब वो सब ले लिया, तीनों को भी जोड़ लिया इसने, अनुमानादि व्यवच्छेद जो जो है
माने परोक्ष संशय, परोक्ष ब्रह्म और स्मृति, उनको भी जोड़ लिया। उन सब के जो जो असाधारण कारण है, अनुमान का आसान कारण लिंग, उपमिति का आसान कारण सादृश्य, शाब्द का आसान कारण शब्द, संशय का आसान कारण विप्रतिपत्ति, भ्रम का आसान कारण हित्वाभास और जो है स्मृति का आसान कारण संस्कार, उनसे अजन्य ऐसा कह दो, तब तो लक्षण बन जाएगा प्रत्यक्ष का, तार्स प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जाति भी सिद्ध हो जाएगी। इच्छिन्न एवं ही प्रत्यक्ष तत्त अपर व्यक्तिरिक्ता धीर अनुमान आदरिति वैपरीत्यम ये कुतो न स्यात्। हम उल्टा अनुमान क्या लक्षण क्यों ना करें, प्रत्यक्ष आदि तत्त व्यतिरिक्त धी का नाम अनुमान आदि है, प्रत्यक्ष आदि के व्यतिरिक्त अनुमिति आदि हो जाएगा, जैसे अनुमिति आदि व्यतिरिक्त हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से व्यतिरिक्त अनुमिति, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमिति आदि व्यतिरिक्त कौन हो जाएगा उपमिति। ऐसे हम लक्षण सबका एक दूसरे के लिए व्यतिरिक्त तत्व एक दूसरे में घटा दे जाएँ तो अन्योनाश्रय दोष हो जाएगा। क्या विनिगमना है, वैसे लक्षण करिए, लक्षण नहीं हो विनिगमन अभाव पहला पक्ष में, यदि इष्टापति कहोगे अन्योन्याश्रय दोष, वैपरीत्य में कुतो न स्यात् इति अविनिगम्यत्वं स्यात्। विपरीत लक्षण करने में क्या विनिगमन है तुम्हारे पास, विनिगमन है ही नहीं। और यदि तेषु व्यवच्छेद्येषु एक द्व्यादि परिहाय व्यवच्छेद्य हेत्वजनितत्वेनापि साक्षात्कृतत्र तत्र अनुगत बुद्ध्याद्यंतर आपत्ते है। इतना ही नहीं, तत्त व्यवच्छेद्यों में से आप पूरे छः को कर दिए, छः का भिन्नत्व प्रत्यक्ष में और प्रत्यक्षादि छः का भिन्नत्व अनुमिति में और इसी प्रकार प्रत्यक्ष छः का भिन्नत्व उपमिति में, एक एक छोड़ दे जाओ बाकी छः को ले लो, सात है ना कुल, सात में से छः का भिन्नत्व सातवें में ले लिया और सातों की इधर ले लो और एक को उधर बाहर कर दो, इन छः के भिन्नत्व सातवें में हो जाएगा। ऐसे करके सभी में करते रहे तो वहाँ पर हमने कहा विनिगमना नहीं है और इष्टापत्ति को अन्योनाश्रय दोष है। अब एक तो दूसरी तरीका है, एक का भिन्नत्व इसमें ले लो, दो का भिन्नत्व ले लो, तीन का भिन्नत्व ले लो, तब अन्यतरत्व अन्यतमत्व कर आएगा ना, क्या उनको भी अलग जाति मानोगे साक्षात्व के समान। प्रत्यक्ष अनुमिति भिन्नत्व इनमें, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति भिन्नत्व इनमें, ऐसे दो को लोगे तो अन्यतरत्व आ जाएगा, तीन को लोगे तो अन्यतमत्व आएगा, फिर उनको भी साक्षात्व के समान कोई स्वतः सिद्ध जाति मानोगे, वो भी अलग अलग पदार्थ मानने पड़ जाएंगे, ये भी आपत्ति आएगी। अब पर तेषु व्यवच्छेद्येषु एकत्वादि परिहाय, एक दो को हटा करके व्यवच्छेद्य हेतु अजन्यत्वेनापि, उन व्यवच्छेद्यों के साधन कारणों के द्वारा अजन्यत्व घटा सकता हूँ, उस समय साक्षात्व के समान तत्र तत्र उन उन अन्यतरत्व अन्यतमत्व आदियों में भी क्या अनुगत बुद्ध्याद्यंतर, अनुगत बुद्ध्याद्यंतर ये साक्षात्व बुद्धि एक पदार्थांतर है, वैसे अन्यतरत्व अन्यतमत्व आदि को भी एक पदार्थांतरत्व स्वीकार करोगे, यह आपत्ति है, यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं।